हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे दही चिकन। ये हमने चिकन ले लिया है और इसमें डालने के लिए हमने 2 से 3 प्याज ले रखा है कटा हुआ, ये थोड़ा लहसुन और थोड़ा अदरक ले रखा है हमने कटा हुआ, और हमने ये साबुत मसाला ले रखा है जिसमें 6 से 7 लाल मिर्च है, धनिया है, साबुत जीरा है, और तड़के के लिए हमने थोड़ा साबुत मसाला, 2 तेज पत्ता और एक चिकन मसाला ले रखा है, और ये हमने दही ले रखा है चिकन में डालने के लिए। चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। ये हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें 3 तेज पत्ता और हमारा साबुत मसाला तड़के के लिए डाल दिया है। और ये हमने प्याज को और टमाटर को आपस में पीस लिया था मिक्सी में, और हम इसको अच्छी तरह भूजेंगे तेल में, जिससे ये हमारा टमाटर और प्याज अच्छी तरह पक जाए, जिसका हमने पेस्ट बना रखा था। चिकन में डालने के लिए हम साबुत मसाले को सील पे पीस रहे हैं, इससे हमारा मसाले का स्वाद और भी अच्छा आएगा चिकन में। प्याज हमारी भुज रही है, हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमने इसमें 2-3 साबुत लहसुन डाल रखा है, अब हम चिकन में थोड़ा नमक मिला रहे हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसमें मिला लेंगे। अब इसको अच्छी तरह चिकन में मिला देंगे, जिससे ये हर जगह मिल जाए उसमें, और ये हमारा गरम मसाला पिसा हुआ है जो हमने अभी सील पे पीसा था, और ये हम दही डाल रहे हैं इसमें। दही हमारी 150 ग्राम दही है, और हमने इसे गरम मसाला चिकन मसाला पुड़िया वाला डाल लिया है। ये हमारे चिकन दही चिकन को अच्छा कलर देने के लिए। चिकन और हमारा ये दही मसाला सब मिक्स आपस में मिल गया है। ये हमारा मसाला अच्छी तरह मिल चुका है, और हम ये प्याज हमारी अच्छी तरह भून चुकी है। देखो दोस्तों, हमारा मसाला अच्छी तरह पक चुका है जो हमने पेस्ट बना के रखा था। अब हम इसमें चिकन और दही का जो हमने मिश्रण मिला रखा था आपस में, वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह मिला देंगे, जिससे ये अच्छी तरह पक जाए। देखो दोस्तों, अब ये हमारा देखने में कैसा लग रहा है चिकन,
इसमें अब हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे हमारा दही और चिकन आपस में अच्छी तरह मिल जाए। और इसको हम धीमी आंच पर पकने देंगे और हमने इसे ढक दिया है। देखो दोस्तों हमारे चिकन का कलर कैसा हो गया है, देखने में अच्छा। अब हम इसको थोड़ा चला देंगे जिससे ये अच्छी तरह पक जाए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना। अगर हमारे चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।